कौन कहता है कि महिलाएं सिर्फ घर की चार दीवारी में खाना बनाने और बच्चों को पाल पोसकर बड़ा करने के लिए जन्मी हैं। अगर वह चाहें तो वह घर और कारोबार दोनों को बेहतरीन तरीके से संभाल सकी हैं। भारत में कई ऐसे उदाहरण हैं जहां महिलाएं आईटी कंपनी से लेकर फैशन और कॉस्मेटिक सेक्टर पर आज राज कर रही हैं। क्या आपको लगता है अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए आपको किसी खास उम्र की जरूरत होती है? वह उम्र निकल जाने के बाद आप कुछ खास कामयाबी हासिल नहीं कर सकते? कि आपको लगता है कि जिसके पास बिजनेस में लगाने के लिए ढेर सारी पूंजी हो वही एक सफल एंटरप्रेन्योर बन सकता है? कि आपने भी कभी ऐसी शुरुआत की थी जो असफल साबित हुई हो, फिर आप अपना पूरा आत्मविश्वास एक झटके में खो बैठे हो? अगर ऐसा सब आपके साथ भी हुआ तो आपको आज इस महिला से सीखना चाहिए जिसने जिंदगी में ऐसे पड़ाव पर अपना व्यापार शुरू किया जब ज्यादातर लोग रिटायरमेंट ले लेते हैं और अपने बुढ़ापे की तैयारी करते हैं। अगर आप वीडियो देते हैं तो वीडियो को लाइक करें या डिसलाइक करें ताकि हमें पता चले कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है या वीडियो में कुछ सुधार की आवश्यकता है। इस महिला ने न सिर्फ अपना व्यापार शुरू किया बल्कि देश में पहले से मौजूद बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों को टक्कर देकर एक मिसाल कायम की। अगर आपके जहन में कुछ कर गुजरने की इच्छा है तो उम्र का कोई भी पड़ाव हो आप अपनी मंजिल हासिल जरूर करेंगे। यह महिला नायका की फाउंडर और सीईओ फाल्गुनी नायर है। नायका की फाउंडर और सीईओ फाल्गुनी नायर का जन्म 19 फरवरी 1963 को मुंबई शहर के एक गुजराती परिवार में हुआ था। इनके पिताजी की खुद की एक बॉल बेयरिंग कंपनी थी। फाल्गुनी का मानना है कि बिजनेस की समझ और उसकी गहराइयां उन्हें उनके परिवार से बचपन में ही मिल गई थी। उनके घर में अक्सर लोग शेयर बाजार और बिजनेस की बातें किया करते थे। फाल्गुनी शुरू से ही एक मेधावी छात्रा थी। उन्होंने द न्यू एरा स्कूल से अपनी आरंभिक शिक्षा प्राप्त की। इंटरमीडिएट पूरा करने के बाद उन्होंने इकोनॉमिक व कॉमर्स स्ट्रीम से ग्रेजुएशन पूरी की। इसके बाद उन्होंने भारत के सबसे प्रतिष्ठित मैनेजमेंट कॉलेज IIM अहमदाबाद से अपनी MBA की डिग्री पूरी की। फाल्गुनी ने IIM से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद 19 मई 1987 में अपने साथी IIM अहमदाबाद में पढ़ रहे संजय नायर से शादी कर ली। उनके बेटे का नाम अंकित नायर और बेटी का नाम अदिता नायर है। अपनी स्टडी पूरी करने के बाद करीब 8 सालों तक AF कॉस्मेटिक में काम किया। वो यहाँ पर काउंसलेंट के तौर पर थी। इसके बाद फाल्गुनी नायर ने कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी में लगातार 18 सालों तक काम किया। वो इन्वेस्टमेंट बैंकर से लेकर कैपिटल इन्वेस्टमेंट मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट काम कर चुकी थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। फाल्गुनी एक अच्छे पोस्ट पर नौकरी कर रही, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने काम से खुश नहीं थी। उनका सपना था खुद का अपना एक बिजनेस करना, कुछ अलग करना और सोसाइटी में एक अलग पहचान बनाना। अपने इसी जोश और जज्बे के साथ उन्होंने 50 साल की उम्र में अपनी नौकरी छोड़ दी। फाल्गुनी नायर ने अपनी नौकरी छोड़ने के बाद कुछ नया करने की ठान ली खुद का बिजनेस करने के लिए। उनके पास इतना पैसा नहीं था, फिर भी उन्होंने हिम्मत की। फाल्गुनी ने अपने इन्वेस्टमेंट बैंकर के करियर में देखा कि नए नए स्टार्टअप शुरू होते हैं और फिर कुछ सालों मेहनत करने के बाद इसके बाद वो इतने बड़े ब्रांड बनकर खुद को एस्टेब्लिश कर लेते हैं। यह चीज फाल्गुनी को हमेशा महसूस होती थी, यहीं से उनको एंटरप्रेन्योरशिप की इंस्पिरेशन मिली। साल 2012 में फाल्गुनी ने नायका की नींव डाली। नायका को स्थापित करने के लिए उन्होंने अपने जमे जमाए करियर इन्वेस्टमेंट बैंकर को छोड़कर नायका की स्थापना की। फाल्गुनी के फ्रेंड इन्हें पागल कहते थे क्योंकि ये 50 साल के आसपास की महिला अपना जमा जमाए करियर छोड़कर एक बिजनेस शुरू करने जा रही थी जिसके बारे में उन्हें पूरी जानकारी भी नहीं थी। फाल्गुनी को ब्यूटी प्रोडक्ट बिजनेस का आइडिया तब आया जब वो सेप्रा नामक ब्यूटी स्टोर में गई। उन्होंने वहां से काफी महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट खरीदे जबकि उन्हें ब्यूटी प्रोडक्ट का बहुत ज्यादा यूज करने का शौक नहीं था। इसकी वजह ब्यूटी स्टोर के सेल्समैन की सर्विस थी जो उन्हें एसिन टोन और टेक्सचर के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट दिखा रहे थे। उनको सर्विस इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने काफी सारे प्रोडक्ट खरीद लिए। ऐसी सर्विस फाल्गुनी ने कहीं नहीं देखी थी। यहीं से उन्हें दिमाग में आइडिया आया क्यों ना ऐसी सर्विस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए शुरू की जाए जहां लोगों के एसिन टोन और टेक्सचर के जरिए लोगों को ब्यूटी प्रोडक्ट्स उपलब्ध करवाया जाए। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ सस्ते से सस्ता और महंगे से महंगा ब्रांड हो, यानी एक ऐसा ऑनलाइन स्टोर जहाँ सस्ते और महंगे दोनों ब्रांड को लेकर कंज्यूमर को प्रोवाइड करवाया जाए। इसके जरिए न केवल
लगभग शहरों में बल्कि छोटे कस्बों और गांवों में लोग इन ब्यूटी प्रोडक्ट को यूज कर पाए। इस तरह से नायका की नींव पड़ी। अपने बिजनेस के शुरुआती दिनों में यूटीवी के मालिक रॉबिन अस्क्रूवाला और पीवीआर के मालिक अजय बिजली से इंस्पिरेशन ली। नायका क्या है? नायका एक ऐसा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो ब्यूटी और वेटनेस के प्रोडक्ट्स ऑनलाइन प्रोवाइड करवाता है। यह सिर्फ खुद के ही प्रोडक्ट प्रोवाइड नहीं करवाता बल्कि नामी ग्रामी ब्रांड जैसे लैक्मे, काया एसिन, मैक, डियोर जैसे प्रोडक्ट भी ऑनलाइन प्रोवाइड करवाता है। आज नायका के पास 2000 से ज्यादा ब्यूटी ब्रांड्स और 2,00,000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। इसके साथ ही 34 राज्यों में 70 से ज्यादा इसके अपने ब्रांड स्टोर भी हैं। नायका के जो भी ऑफलाइन स्टोर हैं वो 3 कैटेगरी के होते हैं जिनमें नायका लक्स, नायका ऑन ट्रेंड और नायका ब्यूटी कियोस्क है। नायका के ब्यूटी और कॉस्मेटिक में खुद के इन हाउस ब्रांड हैं जिनमें नायका नेचुरल, नायका कॉस्मेटिक और नायका ब्यूटी है। 2015 में नायका ने अपने इन हाउस ब्यूटी प्रोडक्ट लॉन्च किए थे। इसके बाद स्किन केयर और पर्सनल केयर प्रोडक्ट लॉन्च किए। इसके कुछ समय बाद ही 2019 में मसबा गुप्ता के साथ मिलकर मसबा बाई नायका नाम से एक ब्यूटी रेंज की शुरुआत इसी साल फाल्गुनी ने 20dress.com को एक्वायर किया जो वुमेन का लीडिंग स्टाइलिंग प्लेटफॉर्म था। इसके साथ ही नायका ने अपना सेलिब्रिटी पार्टनरशिप ब्रांड काया ब्यूटी को बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ के साथ मिलकर शुरू किया। नायका इन्वेंट्री मॉडल पर काम करता है। इसके वेयर हाउस दिल्ली, पुणे, हैदराबाद, कोलकाता और बेंगलुरु में है। इन्वेंट्री मॉडल के अंतर्गत यह पहले माल परचेज करते हैं, अपने वेयर हाउस में रखते हैं और ऑर्डर आने पर उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अगर नायका के रेवेन्यू और प्रॉफिट की बात की जाए तो 2020 में नायका का टर्नओवर 17,778 मिलियन के आसपास था, वहीं इनका लॉस 163 मिलियन के आसपास था। 2021 में 24,536 मिलियन के आसपास इनका रेवेन्यू था, वहीं 619 मिलियन के आसपास इनका प्रॉफिट था। नायका पहला यूनिकॉर्न स्टार्टअप है जो प्रॉफिट में है। यूनिकॉर्न स्टार्टअप वो होता है जिनका वैल्यूएशन $1 billion को पार कर देता है। नायका ने काफी सारी फंडिंग उठाई। मार्च 2020 में नायका ने लगभग 100 करोड़ के आसपास की फंडिंग स्टेडियो कैपिटल से ली थी। दोबारा मई 2020 में लगभग 67 करोड़ के आसपास की फंडिंग उठाई। अक्टूबर 2020 में नायका को आलिया भट्ट और कैटरीना कैफ ने भी कुछ फंडिंग दी। 10 नवंबर 2021 को ब्यूटी स्टार्टअप नायका ने IPO लिस्टिंग में धमाका मचा दिया। इसी के साथ कंपनी की फाउंडर फाल्गुनी नायर का नाम अमीरों की लिस्ट में शामिल हो गया। ब्यूटी और पर्सनल केयर सेगमेंट की दिग्गज कंपनी नायका का IPO 28 अक्टूबर 2021 को दिन बुधवार को शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ। कंपनी का शेयर मार्केट में डेब्यू बहुत धमाकेदार रहा। कंपनी का वैल्यूएशन 1,00,000 करोड़ के पार हो गया। फाल्गुनी के पास कंपनी के आधे शेयर हैं जिनकी कीमत अब $6 billion हो चुकी है। इसके चलते फाल्गुनी नायर भारत की सबसे अमीर सेल्फ मेड महिला अरबपति बन चुकी हैं। वह कस्टमर की जरूरतों पर बहुत ध्यान देती हैं। हर कस्टमर से अपने लिए रिव्यू लेती हैं। उन रिव्यू के अकॉर्डिंग वह अपने को इम्प्रूव करती हैं। आज नायका जहाँ है वह फाल्गुनी नायर की इतनी मेहनत के कारण ही है। फाल्गुनी नायर ने 50 साल की उम्र में जब लोग रिटायरमेंट का सोचते हैं तब उन्होंने रिस्क लेकर एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी शुरू किया, तभी वह अपने सपने को पूरा कर पा रही हैं। फाल्गुनी नायर की नेटवर्थ की बात की जाए तो इनकी नायका कंपनी में आधी हिस्सेदारी है। जब 10 नवंबर 2021 को नायका की लिस्टिंग हुई तब नायर की शेयर मार्केट में एंट्री को देखकर पता चला कि फाल्गुनी नायर की नेटवर्थ $6.85 billion यानी करीब 49,000 करोड़ रुपए हो गई है। इस रिकॉर्ड के अनुसार 2021 में फाल्गुनी नायर भारत की सबसे अमीर सेल्फ मेड महिला बन गई।